मृदुष्ट कैसे आप इस तरीके से वीडियो बनाकर आप भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपलोड करके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। और आपने इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वीडियो ये देखा होगा कि कैसे मीम वाली जो वीडियो है वो कितना ज्यादा चल रहा है। फेसबुक पे भी लोग इससे अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं और यूट्यूब के बारे में तो आपको पता ही है। तो कैसे सिंपल वे में केवल 5-10 मिनट लगाकर ऐसा वीडियो बनाकर आप भी पैसे कमा सकते हो। हेलो, तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है क्या? इस तरह हमको पूरा नहीं पता, लास्ट का पता है। ठीक है, तो लास्ट का बताओ। इसी को न्यूटन की थ्योरी कहते हैं। कोई भी विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कोई भी महंगे मोबाइल की जरूरत नहीं है, ना ही कोई लैपटॉप की जरूरत है। एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा, बस एक क्लिक में। आपको आवाज भी कैसे एडिट करना है यह भी बता दूंगा, क्योंकि मेन वीडियो का जान होता है वॉइस। वीडियो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करके ठीक ठाक करके हम लोग एडिट कर ही लेते हैं, लेकिन वॉइस को एडिट करना, वॉइस को रिकॉर्ड करना प्रॉपर वे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा। पहला, वीडियो बनाया कैसे जाता है, दूसरा एडिट करके भी दिखाऊंगा, और दूसरा ये कि आवाज को कैसे एडिट किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी चैनल पर नया हुआ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको अपने क्रोम पे जाना है। अब देखिए, क्रोम पे जाइए, यहाँ पे लिखिए 2D कार्टून करेक्टर। अगर मैन का चाहिए तो मैन का, गर्ल का चाहिए गर्ल का, उसके बाद फेसलेस। अब फेसलेस क्यों लिखा जा रहा है मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर आइए, उसके बाद आप इमेज पे जाइए। अगर आप यहीं पे देखिए, फेसलेस मतलब कि ना ही आँख रहेगा, ना ही नाक रहेगा, ना ही मुँह रहेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों आगे बताता हूँ। यहाँ पर आइए इमेज पे। इमेज पे आने के बाद देखिए, बहुत सारा फोटो आपको मिल जाएगा, जो चाहिए अपने कंटेंट के अनुसार, अपनी वीडियो के अनुसार, अपने करेक्टर के अनुसार, आप उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक दो डाउनलोड कर ले रहा हूँ। डाउनलोड करना आपको पता है। अब जब आप डाउनलोड करोगे तो वो PNG में नहीं होगा, तो PNG में लाने के लिए यहाँ पर जाइए, रिमूव BG लिखेंगे तो आपको पहली वेबसाइट मिलेगा। यहाँ पर जाएंगे तो आपका जो वीडियो, जो फोटो होगा, सॉरी जो फोटो होगा उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा केवल एक क्लिक में। देखिए, अपलोड इमेज पे जाइए, बस उस इमेज को अपलोड करिए जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है, जो भी इमेज है बहुत अच्छे से ये रिमूव करेगा। यहाँ पर जाइए, उसके बाद थोड़ा सा 5-10 सेकेंड आपको वेट करना पड़ेगा, ये रिमूव हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे ही करके आपके पास जितने इमेज हैं, जो भी आप लगाना चाहते हो, हर किसी का आपको बैकग्राउंड रिमूव यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक, मेरी फाइल जो यहाँ पर डाउनलोड हो गई। डाउनलोड होने के बाद आपको चाहिए, आपको जाइए यूट्यूब पे, लिखिए फेस ग्रीन स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको माउथ और आई मिल जाएगा। ठीक, कोई भी आप डाउनलोड कर लो जो आपके इमेज के अनुसार सटेबल बैठे। ठीक, चलिए यहाँ पर इसको हम करते हैं। मान लो यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, रोहित राज मोटिवेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर कमेंट में पिन किया रहेगा, वहाँ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ें भेज भी दूंगा वहाँ पर। चलिए, अब तो ये हो गया भाई, हमारा जो मटेरियल है वो मिल गया। ठीक, अब दूसरा हमको एडिट कैसे करना है, पहला, दूसरा बात करेंगे कि आवाज़ कैसे डालना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते। देखिए, यहाँ पर आइए अपने काइन मास्टर में, काइन मास्टर आप VN जो भी यूज करते हो। ठीक, तो यहाँ पर ये सब आपको बैकग्राउंड लीजिए। बैकग्राउंड लेने के बाद बैकग्राउंड भी आप जाएंगे ना तो सर्च करेंगे क्रोम पे, 2D बैकग्राउंड, सिटी फोटो, जंगल का फोटो, जैसा आप चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्रोम से ही मिल जाएगा। यहाँ पर आइए, थोड़ा सा ब्लर डाल दीजिए। ब्लर डालने से क्या होगा, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो फटी फटी नहीं दिखाएगी, आपकी क्वालिटी बढ़िया दिखेगी। ठीक है, तो मैंने हल्का सा ब्लर डाल दिया जिससे फोकस भी बना रहे। यहाँ पर आइए, अपने इस इमेज को लीजिए जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया है। देखिए, वही इमेज है ना जो हमने क्रोम से डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर हमको फेस और उसका जो माउथ है वो लगाना है। ठीक है, इसका जो आई है लगाना है। ठीक, ताकि वो बोलता दिखिए। तो हमको जाइए क्रोम से, जो हमने भी डाउनलोड किया यूट्यूब से, वही ग्रीन स्क्रीन वीडियो यहाँ पर लाइए। उसके बाद देखिए, क्रोमा की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्रोमा की एक्टिव करेंगे तो आप इसे एडजस्ट कीजिए फेस के अकॉर्डिंग, ताकि ये ऐसा लगे कि बोल रहा है। सोचिए जुगाड़ कितना बढ़िया है। देखिए, ऐसा लगे ये बोल रहा है। देखिए, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर देखिए, ना ही कोई फेस है तो आप ये अपने हिसाब से लगा सकते हो उसके फेस पे, ना ही कोई आई है, ना ही कोई माउथ है। देखिए, बोल रहा है। ठीक है, एक चीज़ और इसमें दिखेगा, आपको नाक नहीं दिखेगा इसका। नाक का कौन जरूरत है, कौन सी से सूंघ रहा है तो बोलना ना। ठीक है, चलिए ये हो गया एक बंदा। अपने को दूसरा बंदा चाहिए, तो मतलब दो बंदों की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैंने एक बंदा ये रखा, दूसरा बंदा ये रखा। आई फेस मैंने ऐसा ही रखा, कुछ चीज़ मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपका टाइम बच सके, आपका फालतू टाइम ना जाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने फिन किया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे किया, उसके बाद फिर कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे तो ये जो ब्लर है इसको एकदम से बैक कर देंगे यहाँ से, ताकि इसकी जो क्वालिटी है बनी रहे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। देखिए, ब्लर हमने किया है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने
विगनेट को भी ऑन कर दिया, जिससे देखिए बॉर्डर है उसका थोड़ा सा ब्लैक हो जाए शैडो टाइप का, देखिए तो इससे क्या होता है फोकस बना रहता है। तो पहला ये हो गया, देखिए हमारी क्वालिटी, ये देखिए अभी आप में हमने जो आवाज़ नहीं दिया है आपको, मैं वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए कुछ सेकंड का आप अपनी स्टोरी के अनुसार बना सकते हो। अब हमको इसमें ऐड करना होगा आवाज़, अब आवाज़ को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, तो अब आपको आ जाना है ऑडियो एडिटर पे, ठीक। तो यहाँ पर आइए, जैसे मेरी पुरानी फाइल है तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पर आइए डिलीट कर दीजिए। अब देखिए हम रिकॉर्ड करते हैं कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है क्या, नहीं सर हमको पूरा नहीं पता लास्ट का पता है, ठीक है तो लास्ट का बताओ, इसी को न्यूटन की थ्योरी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आवाज़, ठीक है चलो इसको पॉज करता हूँ। अब देखो मैंने माइक नहीं लगाया है, अभी लाइव मैं बोल दे रहा हूँ तो इसकी आवाज़ थोड़ा सा वो क्वालिटी नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ से मैं प्ले करता हूँ, स्टार्ट करते हैं कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है क्या, नहीं सर हमको पूरा नहीं पता लास्ट का पता है, ठीक है तो लास्ट का बताओ, इसी को न्यूटन की थ्योरी कहते हैं। अब ये तो अपनी हो गई सिंपल सी आवाज़, ठीक अपनी ये सिंपल आवाज़ हो गई, लेकिन अब हमको क्या दो बंदे हैं तो दोनों की आवाज़ अलग अलग होनी चाहिए, खासकर कार्टून के रूप में दिखे भी वो आवाज़, तो कैसे हमको चेंज करना है। इसमें एक बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप देखेंगे एक एरो यहाँ पर एक मार्क करने के लिए यहाँ पर दिखेगा, तो दोनों क्या करना है आपको उठा लाना है, पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ये अपना पहले बंदे की आवाज़ है, तो इसकी थोड़ी सी पिच हम कम ज़्यादा करेंगे ताकि जो आवाज़ है वो कार्टून की तरह दिखे, ध्यान समझिएगा ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आप जैसे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए अपना ये एरिया सिलेक्ट है, अब आप यहीं पर देखेंगे तो आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है यहाँ पर आप जाइए, ठीक है देखिए अभी ये एक्टिव नहीं है, यहाँ पर आप देखिए आपको अभी ये एक्टिव नहीं मिलेगा, ठीक है तो करना क्या है थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर एक बार आप जैसे प्ले करेंगे, अब मैं यहाँ पर रोकूंगा, ठीक देखिए यहाँ पर आप एक्टिव होंगे, जब तक ये वीडियो आप प्ले करके यहाँ तक नहीं पहुँचाओगे तब तक ये ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, कहाँ गया यार, ये हो गया, देखिए यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब इफेक्ट पे जाएंगे तो पहले को क्या करना है अपने को, हमको इसका जो मास्टर इसकी आवाज़ थोड़ी सी मोटी करनी है, ठीक है तो हम यहाँ पर पिच चेंज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर जो इसका टेम्पो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आइए टेम्पो पे जाइए, देखिए कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है, कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है, कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है, कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है। देख रहे हो ना इस तरीके से आप आवाज़ चेंज कर सकते हो, और जो भी आपको लगे अपने आवाज़ के अनुसार, क्योंकि जरूरी नहीं हर किसी की आवाज़ में ये सटेबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाइए पिच पे, आप जाइए पिच को देखिए थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है, जैसे हम आवाज़ को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये पिच को और बढ़ाएंगे उससे आवाज़ हमारी पतली हो जाएगी। हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है, अभी देखिए आवाज़ आ रही ना, तो ये हम दो नंबर पर करते हैं, मतलब प्लस दो बढ़ा देते हैं तो अपनी आवाज़ यहाँ हो गई। अब दूसरा जो स्टूडेंट है उसकी आवाज़ और पतली होनी चाहिए, ठीक है तो इस यहाँ पे फिर जाते हैं, यहाँ पर फिर इफेक्ट में जाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो फिर हम पिच पे जाएं या फिर टेम्पो पे जाएं, तो टेम्पो में भी आके कर सकते हो, लेकिन अपना पिच जो है वो देखिए ये टेम्पो और पिच मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर किसी की आवाज़ में ज़रूरी नहीं कि ये पिच सटेबल बैठे, तो अपने आवाज़ के अनुसार, हो सकता है आपकी आवाज़ पतली हो ऑलरेडी, मेरी आवाज़ मोटी है, तो जिस वजह से मैं यहाँ पर दोनों फॉर्म आपको बता दे रहा हूँ, दो में से कोई एक चूज़ कर लीजिएगा आपकी आवाज़ पर सटेबल बैठ जाएगी। चलिए यहाँ पर आता हूँ मैं पिच पे, पिच अब इसको मैं थोड़ा सा प्लस थ्री कर दिया ताकि आवाज़ जो है और पतली हो जाए। नहीं सर हमको पूरा नहीं पता लास्ट का पता है, ठीक ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने प्ले किया, अब फिर आप जाइए यहाँ पर फिर प्लस टू इसको करिए ताकि वही बंदे का आवाज़ फिर है ना, ये तो यहाँ पर आइए फिर प्लस दो, अभी देखिए इस तरीके से आप अप्लाई करिए, ठीक। अब यहाँ पर आइए ये देखिए किसकी है, इसी को न्यूटन की थ्योरी कहते हैं, ठीक चलो। अब यहाँ पर आइए फिर से ध्यान समझ रहे हो ना आपकी कैसे मैं आवाज़ को एडिट कर रहा हूँ, ठीक है पिच करता हूँ और यहाँ पर मैं तीन करता हूँ फिर अप्लाई करता हूँ ताकि जो बालक की आवाज़ है वो टीचर के अपेक्षा थोड़ी सी और पतली हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए ये क्या है, तो ये हो गया हमारा आवाज़, चलो ये तो कट जाएगा बाद में। अब यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ, पूरी आवाज़ सुनिए कि हेलो तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है क्या, नहीं सर हमको पूरा नहीं पता लास्ट का पता है, ठीक है तो लास्ट का बताओ, इसी को न्यूटन की थ्योरी कहते हैं, ठीक। तो हमारी आवाज़ जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर आपका करिए सेव कर लीजिए, सेव के लिए आप यहाँ पर फाइल जो है आप अपना नाम इसको सिलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर डेमो बता रहा हूँ तो मैं डेमो 2D कर सकता हूँ, ठीक है
क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फाइल आप सभी के पास भी पड़ी होंगी। तो जैसे ही आपका आवाज़ सेव हो जाए, ठीक है, तो सेव होने के बाद आप यहाँ पर काइन मास्टर में ले आइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कट करिएगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ इसे ट्रिम, इस तरीके से आवाज़ आप एडिट करेंगे, थोड़ा सा जहाँ जहाँ जो गैप है उसको आप क्या करना है, ट्रिम करना है, अपने शब्दों के अनुसार वीडियो को बैठाना है। अब यहाँ पर आप मीम यूज कर सकते हो, जहाँ पर ये बंदा सॉफ्ट हो रहा है वहाँ पर आप मीम यूज कर सकते हो, या फिर वॉइस ही कुछ ऐसा आप लगा दो जो कि कार्टून टाइप के लगे, ठीक है, क्योंकि आप मीम ही बना रहे हो, ऊपर से आप टेक्स्ट लिखकर सब कुछ इसे मीम के जरिए तैयार कर सकते हो। केवल 5 से 2 मिनट लगेगा और ना ही कोई कॉपीराइट का झंझट है और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर काम कर सकते हो, अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करिए। जैसे जैसे आप जितने का पुरानी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना आप शक्कर डालोगे उतनी ही मीठी चाय रहेगी, जितना मेहनत करोगे अपना आप क्रिएटिव माइंड लगाओगे उतना आपकी वीडियो एक अलग रूप से आएगा। मैं तो बस एक बेसिक बता रहा हूँ, इसके आगे आप इसे एडवांस में ले जाइए। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी चल बने सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, तुमको न्यूटन की थ्योरी पता है क्या? इस तरह हमको पूरा नहीं पता, लास्ट का पता है, ठीक है, तो लास्ट का बताओ। इसी को न्यूटन की थ्योरी कहते हैं।